हे गाइस, आज के वीडियो में मैंने बेसन और नारियल से बनने वाली बहुत ही इंस्टेंट बर्फी की रेसिपी शेयर की है, जिसमें मैंने फुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको झटपट बना के दिखाया है, जिसमें आपकी बर्फी एकदम परफेक्ट तरीके से सेट होगी। सारे रेशियो और परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से आप इसे बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगी। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया है। एक बार आप ये रेसिपी फॉलो करें, आपको पसंद आएगी। तो इसको बनाने के लिए ये रेशियो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने एक कप डेसिकेटेड कोकोनट, एक कप बेसन, आधा कप दूध, एक कप शक्कर, आधा कप घी और यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिसमें बादाम, काजू, पिस्ता और यहाँ पर मैंने पीसी हुई इलायची ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट को हल्का सा रोस्ट करेंगे। गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने एक ऐसा पैन लिया है, तो इसको हल्का सा रोस्ट करना, ज़्यादा नहीं, वो भी लो फ्लेम में, हल्की सी अच्छे से खुशबू आने लगेगी। तो बस हम इसको निकाल लेंगे, एक से दो मिनट हमें बस इसको रोस्ट करना है। और बस ये हो चुका है, इसको निकाल लिया है। अब हम बेसन को भूनेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधा कप घी और एक कप बेसन लेंगे, तो लो फ्लेम में ही आपको अच्छे से भूनना है बेसन को। तो आप भूनते भूनते देखेंगे इसे अच्छे से खुशबू आने लगेगी और इसका कलर पहले से डार्क हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी। बेसन भून चुका है, लगभग 5 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से भूनने में, 5 से 6 मिनट। तो बस आप देखेंगे थोड़ी देर में, ये देखिए बहुत अच्छे से भुन चुका है, कलर भी इसका अच्छे से चेंज हो चुका है और अच्छे से खुशबू आ रही है। बस हम इसको एक साइड पे निकाल लिए हैं। अब उसके बाद हम इसके लिए चाशनी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे एक कप मैंने शक्कर ली है और आधा कप दूध। तो आज हम इसको बनाने वाले हैं दूध से, तो इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, आपका शक्कर है वो साफ़ होना चाहिए, जैसे मैंने लिया है, नहीं तो दूध के गुड़ की वजह से सारा ऊपर गंदगी आ जाती है। देखिए मेरा एकदम साफ़ है और हम मुझे एक सिंगल थ्रेड की कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब एक तार की चाशनी होनी चाहिए। तो आप ऐसे पानी में डाल के देख सकते हैं, तो आपको इसकी चाशनी थोड़ी गाढ़ी रखनी है। तो ये देखिए एक तार बन रहा है, तो बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। उसके बाद हम इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे, बेसन, डेसिकेटेड कोकोनट मतलब नारियल। और उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखना, आप इसको बहुत देर तक छोड़ देंगे, चाशनी की वजह से बहुत ही भुरभुरा हो जाएगा और सेट नहीं हो पाएगा। तो फटाफट इसको डाल के अच्छे से मिलाना है। इसके बाद इलायची पाउडर डालना है, साथ में हमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, तो उसमें मैंने कहाँ पे काजू डाल के दिया है। फटाफट इसको मिलाएंगे और ये देख सकते हैं मिला लिया है। और फटाफट अब हम इसको ग्रीस की हुई प्लेट में सेट करेंगे। अब ज़्यादा देर के लिए छोड़ देंगे, चाशनी की वजह से ये जम नहीं पाएगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कई बार ऐसी होती है, तो ये मिस्टेक्स आप ध्यान में रखें। फटाफट इसको मिलाने के बाद आपको ग्रीस की हुई प्लेट में इसको फटाफट सेट करना है, क्योंकि चाशनी की वजह से ये बहुत ही जल्दी जम जाता है अगर आपको बहुत देर तक गैस में छोड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, आपको इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, तो यहाँ मैंने पिस्ता, काजू से इसको अच्छे से गार्निश किया। और इसको अच्छे से हम कम्प्लीटली कूल डाउन करेंगे, मतलब ठंडा करेंगे। तो मैंने तो इसको फ्रिज में रख दिया है, रखूँगी 1 घंटे के लिए, और आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। जब अच्छे से सेट हो जाएगी तो हम मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे बाद। ये देखिए 1.5 घंटे हो चुके हैं और कितनी बढ़िया बर्फी हमारी सेट हो चुकी है, वो इस वजह से कि हमने इसको सही तरीके से निकाल कर अच्छे से सेट किया है। बस इसको अच्छे से कट कर लीजिए, फ्रिज में रखने से अच्छे से जम गई है। तो अभी मैंने निकाला है, तो देखिए इसको निकालने में थोड़ा सा, तो आपको जैसे कट करना हो वैसे कट कर लीजिए। तो आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही टेस्टी बर्फी बन के रेडी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिख रही है ना, एकदम मार्केट जैसी, उससे भी बढ़िया बेसन नारियल की बर्फी है। ख़ास बात है कि बहुत ही इंस्टेंट टाइम में बन के रेडी होती है गाइस। तो आप ये छोटी छोटी स्टेप्स ध्यान में रखेंगे तो आपकी बर्फी कभी ख़राब नहीं होगी, बहुत ही झटपट एक बार में ही बन के रेडी होगी। नहीं तो कई बार जो मैंने आपको बताया जमने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम गैस में उसको 1 घंटे चलाते रहते हैं, तो मिस्टेक्स होती है। आप इसको ध्यान में रखें और अब इसको तोड़ के देखिए कितनी सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी है। तो आप जब भी आपको घर में कुछ मीठा खाने का मन करे और झटपट कुछ बनाना है, तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी टेस्टी वीजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।